हेलो हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीटीवी चीची में आप सभी का वेलकम है। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी एयरिंग कलेक्टरिंग, जो कुछ मेरे पास है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी ही एयरिंग है मेरे पास, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये भी कोई नई नहीं है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले खरीदी हो, बहुत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये करीब है 3 ईयर्स, ये जितनी भी है 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, सारी ही इतनी ही पुरानी है, और कुछ तो इससे भी ज्यादा 4 ईयर्स भी पुराने। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ जो 4 ईयर्स ओल्ड इयररिंग्स मेरे पास है वो। तो आप देख सकते हैं, इसको 4 ईयर्स हो गए हैं मेरे पास, और आप देख सकते हैं इसकी शाइन में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा है, और बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में भी है। आप कभी भी इसमें, अगर आप इसे किसी भी टाइम पहनते हो, तो यहाँ पे खूबसूरती को निखार ही देते हैं। आप साड़ी पे, सूट पे, पंजाबी लुक हो, चाहे कैसा भी आपका लुक, कोई सा भी होना हो, आप इसको किसी पे भी पहन सकते हैं। तो आपके लुक को बहुत बेटर कर देते हैं, लहंगे पे, सूट पे, साड़ी पर, हर किसी पे ये बहुत अच्छे से मैच होते हैं। और ये तो इसकी एक बात है, ये 4 ईयर्स ओल्ड है, तभी इनमें नहीं लगता है कि ये 4 ईयर्स ओल्ड हो, क्योंकि नहीं तो इनकी अभी कहीं से भी इनकी जो साइन है वो कम हुई है। हम देख सकते हैं इसके जो इसमें जो कुंदन है, इसके कुंदन का वर्क किया हुआ है इसमें, छोटे छोटे नंग का, तो वो देख सकते हैं आपको, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल वैसी ही साइन है। और इधर इसके जो नीचे मोती दिया हुआ है, उसका भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम बने। अगर हम मार्केट में भी लेने जाएंगे, तब भी वो ऐसे ही आपको मिलेंगे। इनको मैंने बहुत ही केयर करके रखती हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप इसे अगर खरीदते रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा अगर संभाल के रखते हैं, तो आप ये बहुत ज्यादा समय तक चल जाते हैं। और काफी सारी साड़ी, सूट, लहंगा, सबके साथ ही आपको ये मैच अच्छे से कर जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट इयररिंग्स मेरी रही है जो 4 ईयर्स ओल्ड है। अब मैं दिखाती हूँ आपको जो 3 ईयर्स ओल्ड है इयररिंग्स मेरे पास। 3 ईयर्स के जो ओल्ड इयररिंग्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, इनको 3 ईयर्स हो गया है। 3 ईयर्स मैक्स, 4 ईयर्स, मतलब 4 ईयर्स हो गया होगा, क्योंकि जैसे ही मेरी मैरिज के टाइम से मैंने पहनती हूँ। मेरी मैरिज का भी 2-3 ईयर्स पूरा हो गया है, 4 ईयर्स चल रहा है ये, तो इनको भी इतना ही टाइम हो गया है, तो 4 ईयर्स के हो गए हैं ये। 4 ईयर्स के हो गए हैं, 4 ईयर्स के मेरे पास हैं। तो आप देख, ऐसे इयररिंग से कभी भी ये पुराना नहीं होगा, हर समय ट्रेंड पे रहेगा। आप किसी भी टाइम पहनो, कुछ ऐसा लो, हमेशा पहनो और हमेशा आपके साथ चलो। तो इसको भी आप साड़ी साथ अगर पहनोगे, तो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं सूट के साथ भी। और अगर आप इसे हैवी सूट के साथ पहनते हो, तो ये आपके लुक में बिल्कुल चार चांद लगा देते हैं। मुझे हैवी सूट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और साड़ी के साथ भी। और आप साड़ी के साथ भी इसे लहंगे के साथ भी मेरी कर सकते हो, लहंगे भी बहुत अच्छा सा लुक ये देते हैं। तो ये भी 4 ईयर्स के हो गए, और ये मैंने ऐसे ही ली होंगी 100 के आसपास लिए होंगे, और ये भी ऐसे ही होंगे 100 के आसपास। मुझे कुछ इनके प्राइस अच्छे से याद नहीं है, कि ये काफी पुराने हो गए हैं, इसलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको जो मेरे पास इयरिंग कलेक्ट है। एक वो ज्यादा पुराने भी नहीं है, बट ये जैसे कुछ गोल होल लगने लगे, बट ये मल्टी में ही थे, तो ये मल्टी में ऐसे ही है। तो ये एयरिंग्स मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि अगर आप इसे किसी भी कलर की साड़ी के साथ अगर पेयर करते हो, तो ये बहुत अच्छे से आपके साथ चार चांद लगा देते हैं आपके लुक में। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाली एयरिंग्स। अगर आपके पास नहीं है, तो आप एक बार इसको लेके ट्राई करके देखिए, आप ये आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। और ये कुछ महंगे भी नहीं है, इनका वेट भी बहुत लाइट है, आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना इनका लाइट वेट है, बहुत बहुत ज्यादा लाइट वेट है। बट अगर आप इनको पहनते हो ना, पहन के पता भी नहीं चलता है कुछ कानों में है या नहीं है, इस तरह के हैं। बहुत अच्छे से, मतलब आप किसी भी टाइम पे हमेशा पहन सकते हो, पूरा डे पहन सकते हैं, तब भी आपके ये कानों में बिल्कुल दर्द नहीं करेंगे कहीं पे भी। और बहुत अच्छे ये कलेक्शन है मेरे पास,
मल्टीमेट है तो मल्टीमेट का कलर भी कोई सा था, सिर्फ इसका ये एक यहाँ पर एक मोती इसका और था वो सिर्फ निकल गया है, और वो इसका भी साइन निकल गया है यहाँ पर, तो इन दोनों के ही एक चीज निकल गया, लेकिन है बहुत प्यारे। अगर मैंने इसे कुर्ती के साथ भी पेयर किया, अपनी फुल जो मेरी कलरफुल कुर्ती थी उसके साथ मैंने पेयर किया है, आप देख सकते हैं इधर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और बांधानी साड़ी पे इस तरह की अगर आप इयर रिंग्स लेते हैं तो बहुत अच्छे से पेयर हो जाएंगे, आप इस तरह की भी ले सकते हैं। अगर मल्टी जो आते हैं, मल्टी में आप देखते होंगे मल्टी में कई कलर होते हैं, उस तरह के भी पेयर कर सकते हैं, आप इसको भी पेयर कर सकते हैं बांधानी साड़ी पे। लेकिन अगर इस तरह के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छे बांधानी साड़ी पे पेयर होते हैं। और जो इसी तरह के रेड या ब्लैक कुर्ती के साथ अगर पहनते हैं, पिंक कुर्ती के साथ में, और इस तरह का अगर लुक के साथ ये वाले इयररिंग्स चार चांद लगा देते हैं, आप देख सकते हैं मैंने इस लुक में इसे कैरी किया कितना फ्री लग रहा है। तो इस तरह के अगर इयररिंग्स लेना चाहते हैं मेरे मार्केट में आसानी से इयररिंग्स मिल जाते हैं, कोई ऐसे नहीं आपको बहुत ज्यादा कुछ करना पड़े, तो इस तरह की इयररिंग्स आप ले सकते हैं। सिल्वर की झुमकी है इस तरह की, तो इससे अगर आप किसी भी तरह की साड़ी सूट किसी भी अगर पहन लेते हो ना बहुत अच्छे लगते हैं, और साड़ी से ज्यादा अच्छे तो ये सूट पे और बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सूट साड़ी सब पे आप इसे पेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सुपर ही कलर ही ऐसा है। ये बहुत पहले ही जब हम लोग शायद मेरा मैं उसमें होली नहीं उस समय का ये फैशन है जो अब फिर से आया है, लौट आया है, और बहुत अच्छे से हमारे लुक में अभी भी चार चांद लगाया, देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने पहन रखे हैं यहाँ पर, कितने अच्छा लग रहा है, तो इस तरह के आप ले सकते हैं, बहुत प्यारी है। तो नेक्स्ट है वो है झुमकी, झुमकी इस तरह की है, कुछ तो ही झुमकी अगर आप सूट नंबर साड़ी के साथ पहन बहुत अच्छी लगती है, मुझे साड़ी के साथ में इस तरह की झुमकी बहुत अच्छी लगती है। आप देखते हैं झुमकी में काफी डिजाइन होती है, तो आप कोई भी डिजाइन ले सकते हो, झुमकी बहुत ज्यादा प्यारी लगती है अगर आप साड़ी के साथ में पहनते हो, साड़ी लहंगा किसी के साथ में भी, और लहंगे से भी ज्यादा अगर बेटर लगती है तो साड़ी में मुझे झुमकी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आप साड़ी में झुमकी को पहनते हो, अगर पसंद नहीं करते तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है झुमकी साड़ी में पहनना। ये भी 2 years old है, नई नई है बिल्कुल, जो मैं हैंड टू हैंड आपको दिखा रही हूँ 2 years old है, तो कुछ संभाल के रखना पड़ता है चीजों को और तो बची रहती है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो मेरे पास कम से कम 7 या 8 years तो हो ही गए हैं, बहुत ओल्ड है ये, मतलब मेरी 4 years तो शादी के हो गए हैं, 3 years हो गए, 4 years चल रहा है, और उससे भी पहले के 4 years उससे भी पहले की ये टॉप्स हैं मेरे पास, आप देखने के लिए प्यारे लग रहे हैं, सिर्फ इनका एक एक जो नंग है शायद वो निकल गया है, इसका एक नंग है वो निकल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे बहुत बहुत ज्यादा प्यारा है, ले लीजिए बहुत अच्छे चलते हैं, और आप जो साड़ी सूट या फिर किसी भी अच्छे फंक्शन से पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।